तो अन्ना अन्ना नाम आपको किसने दिया परिवार में सबसे बड़ा भाई है उसको बोलते अन्ना ओके okay. तो हम चार भाई उसमें सबसे बड़ा भाई था ओके okay. तो घर के लोग कहने लगे अन्ना ओके okay. फिर पड़ोस के लोग कहने लगे अन्ना अच्छा फिर गांव कहने लगा अन्ना और अभी देश कर रहा अन्ना <laughs> अन्ना जितना मैं जिंदगी को समझता हूँ जितना मैंने देखा है मेरी शादी हुई नहीं आम आदमी जो है अच्छा आम आदमी भी आजकल आप बोलते हो तो अपने आप, आप खास हो जाते हो <laughs> आम आदमी को बीवी की सेवा से फुर्सत नहीं मिलती है ना फिर आप देश सेवा मानव सेवा आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है ना ये जो प्रेरणा है जी जैसे मैं अपने जीवन में जो सोच रहा था जी अरे क्या चक्कर है जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं जाता कुछ लेकर जाता नहीं उम्र मेरा, 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 मेरा। हाथ में कुछ नहीं लेटरिन का डब्बा गुम हो गया तभी सोचते बैठते <laughs> 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 मेरा किसने जीता एक दिन मैंने सोचा आत्महत्या करना एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई जी पढ़ना शुरू कर दिया और एक ही बात समझ में आ गई हर इंसान के लिए मनुष्य जीवन मिला सेवा करने के लिए मिला 25 साल के उम्र में मैंने तय किया कि जब तक मैं जीऊँगा मेरे गांव मेरा समाज और मेरे देश की सेवा करूँगा और जिस दिन मैं मरूंगा गांव समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा ये मैंने व्रत लिया अरे तो आपका जो प्रश्न है बीवी का अभी मैंने सिर्फ शादी किया नहीं लेकिन परिवार छूटा नहीं जी छोटा चार दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार में ही करना था जी वो छोटा ना करते हुए बड़ा बन गया क्या बात है पूरा देश परिवार हो गया। अच्छा अन्ना आपको याद है आपने आज तक कितने आंदोलन अनशन किए होंगे आज तक पूरी जिंदगी में जब मैंने तय किया कि जब तक जीवंगा समाज और देश के भलाई के लिए जीवंगा जी तो समाज के भलाई के लिए देश के भलाई के लिए सोलह बार मैंने अनशन किया वाह राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कानून जो बना पहले हमने बनाया वो क्या बात है राइट टू इंफॉर्मेशन पूरे देश में अभी लागू हो गया गरीब लोगों को न्याय मिलने लगा जी ऐसे महाराष्ट्र में आठ कानून बनाए अभी अभी लोकपाल का बिल जी सरकार नहीं कर रही थी रामलीला मैदान पर बैठ गया जी और आंदोलन शुरू किया सरकार एक एक बात के लिए डरती है जी वो सिर्फ मोर्चा और धरने से नहीं डरती है सरकार सिर्फ गिरने से डरती है <laughs> ये डर जब लगता है ना तो ऐसे कानून बनाती है सरकार है <laughs> ना जब मैं बचपन में मेरी माँ से मेरा झगड़ा हो जाता था मतलब कभी कभी होता है कि आपकी माँ से नाराजगी हो गई तो यहाँ कोई भी बात मनवाने के लिए तो मैं खाना नहीं खाता था पता ही होता ना बच्चे को भी हाँ। बच्चे बड़े चालू होते हैं ना हाँ। बच्चों को पता माँ देख नहीं सकती कि मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया तो मैं खाना पीना छोड़ देता था ना तो अपनी बात मनवाने के लिए तो ये आपका भी बचपन में कुछ ऐसा ही स्टाइल था मतलब जब, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ ऐसे मेरे बारे में हुआ था अच्छा हमारे घर के आमिर नहीं थे जी गरीबी थी एक त्यौहार आता था और मैं माँ को बोला एक अन्ना दे दो एक अन्ना अच्छा एक आना बोलते थे ना पहले जी 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 मुझे प्रेस करना कपड़े के माँ बोले अरे कपड़े को प्रेस क्या करता मन को प्रेस करना चाहिए कपड़ा तो क्या ये महिला हो जाता है मन को दाग मत लगने दे मन को तजला रखना तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया अच्छा तो माँ ने मुझे चाटा लगा दिया <laughs> मैं दौड़ गया घर से <laughs> <laughs> तो माँ डर गई कहीं कुआं उ तो नहीं जाएगा <laughs> फिर खोज करना शुरू कर दी इधर खोजो उधर खोजो उधर खोजो नहीं मिल रहा फिर मेरा घर था जी उसके ऊपर एक धाबा था अच्छा। उसमें मैं कबूतर पालता था कबूतर अच्छा। तो पीछे के रास्ते से मैं आकर ऊपर बैठ गया और सब देख रहा था कौन कौन कैसे दौड़ रहा है कौन सा क्या कैसे भाग रहा है ये माँ कैसे कर रही है ये सब मैं देख रहा था अच्छा। तो फिर किसी ने मुझे देखा अच्छा और कहा अरे आना तो ऊपर है अच्छा फिर वो देख देखने के लिए आए तो मैं मिल गया तो ऐसे बात हुआ था मैं भी एक बार माँ के साथ लेकिन वो माँ है जी बिल्कुल वो माँ है तो फिर भगवान ही हो गया ना आ, तो, तो मतलब खाना पीना नहीं छोड़ते थे आप बचपन में नहीं नहीं खाना पी रहे <laughs> खाना तो छोड़ता था समाज के भले के लिए जब अनशन पर बैठता था तब खाना छोड़ता था हर इंसान की अपने दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चलती है अन्ना के दिल और पेट के बीच लड़ाई चढ़ती है पेट को जैसे ही पता चलता है ना कि दिल ने ये डिसीजन लिया है कि मुझे अनशन करना है पेट को टेंशन हो जाती है कि अब मैं भूखा रहूंगा क्योंकि दिल ने तो डिसीजन ले लिया तो अन्ना इतने इतने दिन कई-कई दिन तक आप खाना नहीं खाते हो तो कैसे आप कौन सी शक्ति जो आपको ऊर्जा देती है समाज और देश के भले के लिए मरने की तैयारी रख देना तो दिन गिनने की जरूरत नहीं अब जैसे आप देश हित में काम करते हो कई-कई दिन तक आप अनशन करते हैं आंदोलन करते हैं आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं अगर आपकी शादी हुई होती तो बीवी तो एक-एक घंटे -एक बाद फोन करके पूछती शादी तो वो तो पूछती बीवी तो यही तो खतरा मुझे लग रहा था <laughs> <laughs> और इसके कारण मैंने तय कि शादी नहीं करना <laughs> ओहो। और दूसरी बात यह है सेवेंटी नाइन ईयर के इस उम्र में जी बैचलर रहते हुए भी इतना भी दाग नहीं जीवन में इतना भी वाह क्या बात है ये भगवान की कृपा है अगर दाग लग जाता मेरे जीवन में तो इन लोगों ने मुझे तोड़ मोड़ देना था वाह आज कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते अन्ना एक बात और जहन में आती है मैं बच्चा हूँ आपने पूरी दुनिया देखी है जैसे मैंने भी अन्ना भी शादी नहीं की <laughs> मतलब करनी है मुझे करना है हाँ। करनी है, मेरे दिल जैसा रहना तलवार के धार पर चलने से कठिन है ये तो है बहुत ये मन बड़ा चंचल है कब धोखा देगा पता नहीं <laughs> सही बात है अच्छा ना लेकिन हमारा जो समाज है जैसे आपने निर्णय लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है लेकिन रिश्तेदार जो होते हैं ऊपर से ज्यादा प्रेशर करते हैं तो आपके रिश्तेदारों से कैसे बचे फिर आप बहुत हुआ अच्छा माँ एक लड़की अल्लाह कराते हैं दिखाने के लिए अच्छा बोलता, ये पसंद नहीं, है। अच्छा? आ, पसंद नहीं है मतलब देख लेते थे आप रिश्तेदार रिश्तेदार भी कई लड़की दिखाने के लेकर आते हैं अच्छा मैं बोलता पसंद नहीं है ये लोग साफ कहने लगे इसके दिमाग पर कोई असर हो गया अच्छा ये तो पागल हो गया वो उस उस टाइम पर उन्होंने मुझे पागल में निकालना ये मेरे लिए अच्छा हो गया प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स